Please subscribe to our channel, and for latest updates, don't forget to press the bell button. Let's welcome our father, Mr. P.L. Chawla. Can we really have you welcome? आइए सर, आपके एकदम घर के पास में ही मैं रहती थी। फोटोग्राफी के लिए कमाल कर दिया है, मुझे उसकी याद बहुत आई है और उस याद के सहारे ऐसे मुझे एनर्जी मिली है कि मैं पहले से ज़्यादा अच्छा। सर, आपकी बेटी ने तो बहुत बहुत लोगों को बहुत अच्छी एनर्जी दी है, वो है ही इस लायक कि उसके ऊपर इतनी ऐसी फिल्में क्या बहुत सारी चीज़ें फिल्म में डॉक्यूमेंट्रीज या बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ें बने। जब जब मैं ऐसी फिल्में देखता हूँ तो मैं और जिंदा रह जाता हूँ। डॉक्टर को मुझे अरे अरे तो जब जब मैं ये फिल्म देख लेता हूँ कल्पना की तो आपने अपने आप 1916 में जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड जो है ना, लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देते थे हरियाणा पंजाब के इलाकों में, वहाँ पे आपकी बेटी हुई, जब वो पैदा हुई आपको कैसा लगा? आप क्या आप चाहते थे आपकी बेटी हो? हम तो चाहते थे बच्चा हो, भगवान ने वो बेटी दी तो मुझे खुशी हुई कि ये मेरा हौसला और बढ़ाएगी। बेटे की बजाय बेटी ज़्यादा बाप के माँ बाप के रहती है हमेशा, ये मुझे पहले ही पता था, तो हमें खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और हमने जैसे नॉर्मल लाइफ थी उसमें से थोड़ा सा और स्पेशल लाइफ में, और वो जब छोटे होते ही उसने स्पेस शिप्स काफ़ी बनानी शुरू कर दी थी अपनी दोस्त के साथ बनके, जो कि बहुत अनयूजुअल लगा होगा आपको कि इतनी छोटी सी लड़की। 3 साल की थी जब पहली बार उसने जहाज देखा था। हाँ, और उड़ते हुए जहाज को देखकर उसने रात को मुझसे पूछा कि पापा ये कैसे उड़ते हैं, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। कैसी पापा हुई तो मैं वहाँ करनाल में, करनाल फ्लाइंग क्लब है जहाँ ट्रेनिंग देते हैं जहाज उड़ाने की, तो वहाँ उनको ले गया
अच्छा, तो उसने चूज किया अपना नाम? आपने चूज किया, ये तो वन ऑफ अ काइंड ही है, क्योंकि उतने लड़को हमारे को चॉइस नहीं होती अपने नामों की, उसको शुरू से ही चॉइस थी, मतलब अपनी चीजें चूज करने की। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी। अच्छा, एक आपके बारे में भी शायद, ये आपकी बेटी ने शायद काफी चीजें आपसे ही सीखी हैं, जाने अनजाने में एक फाइटर होना, एक घूम घूम के फिर फिर के मैं सारा दिन घूमता रहा, कहीं नहीं मिला। तो अल्टीमेटली मैंने किसी को ऑर्डर दे दिया कि भाई आप मुझे मंगवा के दे दो। उसने भी एक महीने के बाद पैसे वापस कर दिए कि टायर नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसको बदल लूँ और क्यों ना टायर बना लूँ। मैं काम कपड़ा बेचने का करता था, मेरे पास बिन्नीस का एक्सक्लूसिव शोरूम था, बहुत बढ़िया कपड़ा था उस मिल का। बिजनेस जो थी वो फॉरेन की कंपनी है, उनका एक्सक्लूसिव शोरूम था। तो मैंने सोचा पैसे दे के कपड़ा लाते हैं फिर बेचते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं, तो ये तो एडवांस पैसे दे के आओ तो टायर मिलता है, तो भी नहीं मिलता। तो फिर मैंने इस लाइन को बनाने के लिए सोचा, तो दो तीन साल चार साल में लगा रहा और कोई नहीं मानता था, बैंक ने लोन रिफ्यूज़ कर दिया था देने को कि ये नहीं बन सकते और आप इस काम को मत करिए, आपको लोन नहीं हम देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो मैं दो साल लगा रहा तो फेल रहा, फिर मैंने छोड़ के तो फिर दोबारा कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। फिर एक साल में मेरे पास फिर एनर्जी आ गई, अगले साल फिर मैं शुरू कर दिया। तो इस तरह करते करते मैंने वो टायर बना लिया। तो जब मैंने वो टायर बना लिया तो मैं पहला एशिया में पहला आदमी था जो टायर बनाता था, और मेरे इस कंट्री में 24 ऑफिस थे, सेल ऑफिस। तो भी पता चलता है कि कल्पना चावला के अंदर जो ये हिम्मत मेहनत और ये सब आई है वो एक्चुअली कहाँ से आई है। कल्पना ने भी मेरी बड़ी मदद की, उन दिनों वो अमेरिका पहुंची हुई थी और वहाँ पढ़ रही थी। अच्छा, अभी पढ़ रही थी। अच्छा, तो मैं भी हर महीने पहुंच जाता था वहाँ। अच्छा, तो मैं उसको कहता था कि बेटे मुझे ये कुछ समझाओ। तो कई बार तो बड़ी खुशी से समझाती थी, और कई बार एक दिन उसने कहा मुझे, पापा आप रोज आ जाते हो मुझे पढ़ने नहीं देते, मैं अपना काम छोड़ के आपको पढ़ाती रहती हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा तू मेरी टीचर है तो तेरा स्टूडेंट अगर फेल हो गया तो तुझे कितना अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे वो बिल्कुल टीचर की तरह पढ़ाती थी, समझाती थी, लिख के भी बोल के भी, और मुझे फिर वो इंस्ट्रक्ट करती थी कि आप इसको इस तरह याद रखेंगे और इस तरह अंदा करेंगे। So that's the woman behind a successful man, कह लीजिए। हाँ? और फिर वो उसने एक नासा को इंटरव्यू दी हुई है कि मेरा बाप जो है वो पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं है लेकिन वो इंजीनियर से भी इंजीनियर। अरे वाह, ये उसकी नासा का एक इंटरव्यू दिया हुआ है, उसमें आपके नेट पे है, उसका नाम आप लिखेंगे नासा कैरियर। अच्छा, कल्पना चावला नासा कैरियर, तो वो आप देखेंगे, उसने उसे कहा हुआ है कि मेरा बाप जो है वो इंजीनियर है। आपके दो बेटियां हैं, एक बेटा? कल्पना समेत तीन। तीन, मतलब अब तो आपको मैं आपको बता दूं कि सारी दुनिया की जो लड़कियां हैं वो मेरी बेटियां हैं। अरे आपने जब पहली बार पता चला आपको कि उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, उसको एस्ट्रोनॉट बनना है, इससे पहले तो कोई ऐसा एग्जांपल भी नहीं था कि कोई इंडियन वुमन बनी हो एस्ट्रोनॉट, तो पहला रिएक्शन क्या था कि मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं? तो पता ही नहीं था कि एरोनॉटिकल क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं पता था। उसकी जब वो चिट्ठी देखी तो फिर मुझे पता चला, वो कह रही थी मेरा कैरियर आपने खराब कर दिया, रो रही थी। जब मैं उसको मिला तो
मैंने उसको बताया मुझे बताओ तो सही मेरा गुनाह क्या है, मैंने कैसे करियर आपका खराब कर दिया। तो दौड़ती हुई गई, वो फिल्म में आपने थोड़ा सा दिखाया है, अगर इसको डिटेल से देखें तो आपको कितना मज़ा आएगा कि मैं उन दिनों बड़ा बिजनेस मेरा बढ़ गया था, तो मैं महीने में एक बार किसी फॉरेन कंट्री में होता था। तो वो अपनी इंजीनियरिंग पास करके तो करनाल आ चुकी थी, दो महीने वो करनाल रही और मुझे नहीं मिली, करनाल मेरे घर में रही, मिलती मुझे हेलो करती, मैं रात को 10 बजे फैक्ट्री से वापस आता तो थका होता पड़ा छू, सवेरे 6 बजे का 7 बजे का गया हुआ, तो वो देखती कि पापा जो है इस वक्त इसको कोई बात पूछूंगी तो वो अच्छा नहीं है, पापा को रेस्ट करने दो। तो दो महीने इस तरह रोज़ इंतज़ार करती थी, दो महीने के बाद मैं फिर निकल गया फार्म के लिए। मैं गाड़ी में बैठा घर में से निकलने के लिए, तो उसको पता चला कि पापा तो आज फिर जा रहा है, तो दौड़ती हुई आई तो मैंने शीशा नीचे किया, कहती पापा आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कहती वापस कब आओगे, मैंने कहा मुझे 1 महीना लग जाएगा, तो ओके उसने कह दिया मैं चला गया। मैं 1 महीने में नहीं वापस आया, मैं आया लेट कोई 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। जिस दिन मैं घर पहुंचा तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वो घर पे है, नज़र नहीं आई, रात को 10 बजे तो उसकी माँ से पूछा, तो माँ उसकी कहती अब आ गए, अब आपको याद आ गया, कल्पना की बड़ा बड़ा हाई था। तो मैंने कहा वो कहाँ गई है, कहती कि वो गई है चंडीगढ़। मैंने कहा चंडीगढ़ उसका क्या काम है, कहते चंडीगढ़ में है, मुझे नहीं पता, जाओ कुछ पता लगे। तो मैं सवेरे चंडीगढ़ चला गया, अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँच गया, वहाँ जिस घर में वो रहती थी, वो रहती जिस घर में थी आपको बता दूँ, एक घर वालों का गैरेज था, गैरेज के ऊपर उनका एक कमरा था, उस कमरे में रहती थी, गैरेज के ऊपर सीढ़ियाँ उसकी लकड़ी की थी, और घर वालों ने ऑफर की हुई थी कि हमारे साथ रहेगी, वो कपल था एक बुजुर्ग, उनके बच्चे अमेरिका पढ़ते थे, उन्होंने ऑफर दिए थी कि हमारे साथ रहेगी, हम इसके पेरेंट्स के तौर पर इसका पालन पोषण करेंगे। तो वो नहीं रहती थी उनके पास, और वो गैरेज में रहती थी, गैरेज के ऊपर वाले कमरे में रहती थी। तो मैं वहाँ गया तो उनसे पूछा, वो कहते कॉलेज गई हुई है। तो कॉलेज गया तो प्रिंसिपल से मिला, तो उनको कहा जी मुझे कल्पना से मिलाओ, तो वो लेके गए मुझे एक उसमें रूम में जहाँ क्लास पढ़ा रही थी कल्पना, कल्पना मेरे पढ़ा रही थी। कल्पना जब मैं नहीं आया वक्त पर वापस से, तो उसका टाइम जो था उसको लगता है कि मेरा पापा तो बिजी है तो इतने कुछ नहीं मुझे करके देना, तो मेरा तो टाइम निकल गया। उसको एडमिशन मिली हुई थी दो यूनिवर्सिटी से अमेरिका से, तो वो उसकी डेट थी लास्ट 31 अगस्त, मैं यहाँ वापस आया था 28 अगस्त को, कल्पना के पास था सवेरे 10 बजे 11 बजे। तो उसने क्लासरूम में वो प्रिंसिपल मुझे, जब मैं प्रिंसिपल साहब से मिला तो मैंने कहा जी चल कल चावला से वो कल्पना से मिल रहे हैं, मुझे जानते थे वो, तो मेरी तरफ देख के अपने एक दोस्त उनके साथ बैठे हुए थे, उनको इशारा करके कहते हैं इनको जानते हो, मैं खड़ा हुआ था इससे दूर में, ये मिस्टर चावला हैं, इनके पास पैसा है और कुछ नहीं है। तो मैंने जब ये सुन लिया तो मेरे पसीने छूट गए, और वो मुझे कहते हैं आओ जी चावला साहब बैठो आपको मिला देते हैं, मैंने कहा जी अब मुझे बैठना नहीं है, मुझे मिला दो कल्पना से। तो उनको महसूस हुआ कि भाई माहौल गर्म है, तो उठे वो मुझे साथ लेके तो उस रूम में ले गए, रूम में बाहर हम गेट में खड़े थे, तो वो अपनी घड़ी देख के कहते हैं कि सिर्फ इनका 5 मिनट का बाकी टाइम है, तो इनको कर लेने दो उसके बाद हम मिलते हैं। तो मैं खड़ा हो गया, तो वो मुझे कोशिश करते हैं अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाने की, मैंने कहा नहीं जी मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैं यहाँ हूँ, वो मेरे साथ ही खड़े रह गए।
پانچ منٹ گزر گئے تو اس نے جب چاک رکھا گھومی تو سامنے میں کھڑا ہوا تھا, اسی دروازے سے اس نے کھولا, بھاگ کے آئی اور مجھے چپک گئی, چپک گئی اور سسکیاں بھر بھر کے رو رہی ہے, کہتی ہے پاپا آپ نے میرا کیریئر خراب کر دیا, مجھے بالکل نہیں پتا کہ میں نے کیا گناہ کیا. تو میں اس کو پوچھتا ہوں بیٹے مجھے بتاؤ میرا کیا گناہ ہے, وہ کہتے پاپا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, دو مہینے میں کرنال رہی ہوں, رات کو دس بجے آ جاتے تھے, ایک منٹ ہیلو میں کرتی تھی, میرا من ہی نہیں کرتا تھا آپ سے بات کروں, تھک کے بیٹھتے تھے. تو پھر میرا کیریئر آپ نے خراب کر دیا اور رو رہی ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ میرا گناہ, تو چھوڑ دیا. پھر وہ گئی اور وہ آئی اور وہ فولڈر لے کے آ گئی, دو چٹھیاں تھیں اس کے, وہ میں نے کھول کے پڑھ لی, میری آنکھوں میں آنسو. ایک چٹھی میں تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہم یہ سبجیکٹ فارنر کو نہیں پڑھاتے, آپ کا کیریئر دیکھتے ہوئے آپ کو ہم ایڈمیشن دے رہے ہیں, اور لاسٹ ڈیٹ 31 اگست تھی اور آج 28 اگست ہے. تو میں جب میری آنسو نکل گئے تو اب کلپنا کا پارا جو تھا وہ ڈاؤن آ گیا. تو اب کہتی پاپا آپ چھوڑو, اب وقت گزر گیا, اب میں اگلے سال جاؤں گی, اب مجھے نوکری مل گئی ہے یہاں. اس نے کیا کیا کہ جب میں بتا گیا تھا کہ میں اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا, تب تک تو انتظار کی تو آیا نہیں واپس, ماں کو کہتی ہے میں چلی, کہاں چلی, میں تو چنڈی گڑھ چلی, چنڈی گڑھ چلی گئی, جا کے ان کو کالج کو ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی نوکری دے دو, تو انہوں نے اس کو اسی کالج میں پروفیسر کی نوکری دے دی. 23 دن اس میں پڑھایا جس دن میں گیا, اور جب وہ رو لی تو میں نے اس کو کہا بیٹے میں تجھے اب کہتا ہوں کہ تو چل. کہتی نہ میرے پاس پاسپورٹ ہے, نہ ویزا ہے, نہ میں اب مینٹلی پریپریشن ہوں. تو میں نے کہا باقی باتیں تو میرے پاس چھوڑ دے, تو اس کو مینٹلی پریپیئر ہو. تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا, کہتی یس چلتی. میں نے اس کو پکڑا لے گیا ان کے پاس, پرنسپل کے پاس, باہر سے ہی میں نے آواز دی, پرنسپل صاحب آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ بتائیے اور اس کو ریلیو کرنے کے لیے جو کچھ چارجنگ ہے وہ بتائیے. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی چارجنگ نہیں, آپ لکھو ریزائن لکھو. میں نے کہا کاغذ دو, کاغذ لیا, ریزائن کلپنا کو لکھنا شروع کیا. جب اس نے لکھ لیا تو نیچے سائن کرنے لگی تو قلم کو روک لیا, روک کے کہتی ہے پاپا, میری طرف سے کہ پاپا مجھے کرنال تو نہیں لے جاؤ گے, میری نوکری تو نہیں چھوڑ دو گے. میں نے کہا نہیں بیٹے میں تجھے کل امریکہ چھوڑ کے آؤں گا. سائن کر دیا, وہاں سے ہی میں نے اسی وقت, میرے اس وقت بہت کنگ تھا میں, ایک زمانہ تھا میں بالکل بھوکا ننگا, بالکل روٹی سے بھی محتاج تھا, اور اس وقت میں کنگ تھا, میرے جیسا کوئی بھی نہیں تھا. وہاں سے میں نے ٹیلی فون کیا اور ان کو کہا مجھے پاسپورٹ ابھی چاہیے, کہتے ابھی لو جی ابھی لو. اسی وقت پاسپورٹ میں نے لے لیا, ایک گھنٹے میں پاسپورٹ لے کے 4 بجے ہم واپس بھی آ گئے کرنال. کرنال اس کی ماں وہ بھی انتظار کر رہی تھی, اس کا باپ گیا ہوا ہے تو کوئی گول کھیلے گا, اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ پڑھا رہی ہے. تو جیسے ہم پورچ میں گاڑی کھڑی ہوئی تو اس کو انتظار تھی, تو گاڑی کی آواز اس نے سنی بھاگتی ہوئی باہر کو آئی, تو ہم نے شیشہ بھی کھولا ہی تھا نیچے کیا تھا, تو کہتی ہاں کلپنا آ گئی. میں نے کہا کلپنا آئی نہیں, کلپنا تو گئی. پھر کہاں گئی؟ میں نے کہا کل اس کو امریکہ چھوڑ کے آؤں گا. ہاں جی امریکہ میں نے جب کہا چھوڑ کے آؤ, اس کا بھائی پیچھے سے اندر سے آ گیا, پاپا آپ رات کو تو آئے ہو امریکہ سے, میں اس کو چھوڑا تھا. میں نے کہا بیٹے ابھی اس کا ویزا لینا ہے, کہتے میں ویزا کل لے لوں گا. تو 29 تاریخ کو دونوں کو بھیج دیا میں نے دلی, ویزا لے لیا, آج رات کی ٹکٹ لے لی اور شام کو 4 بجے کرنال واپس آ گئے, ٹکٹ اوکے, ساری فارمیلٹی کمپلیٹ اور اپنا پیکنگ کر کے. تو وہ بھی دونوں اور دونوں ہم, اس کے ماں باپ, چاروں جنے پھر رات کو ہم دلی ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے.
आके सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा के उनको चढ़ा दिया। और जहाज़ जब स्टिप में गया तो वो आपको शायद पता होगा कि जहाज़ वहाँ स्टिप पे जब फाइनल रन करनी होती है ना तो वो एक मिनट दो मिनट के लिए खड़ा कर देते हैं, खड़ा करके सारे गैजेट चेक करते हैं। तो वो जो गैजेट चेक किए उन्हें उनको कोई फॉल्ट मिल गया और उन्होंने 3 घंटे के बाद अनाउंस किया कि जहाज़ तो खराब है, ये नहीं जाएगा, और सारे पैसेंजर निकाल के ओबराय कॉन्टिनेंटल पे ले गए। 3 घंटे के बाद जब वो अनाउंसमेंट हुई तो मुझे पता चला कि पैसेंजर सारे जो हैं वो निकाल के तो ओबराय कॉन्टिनेंटल होकर चले गए। मैं फिर बात आ रहा रात को 2 बजे, तो वहाँ जाके देखा तो दोनों अपना जो उनको रूम मिला हुआ था बैठे हुए तो हंस रहे हैं बहन भाई। तो मुझे देख के कहती पापा आप क्या कर लो? मैंने कहा तेरी एडमिशन खुदा भी नहीं रोक सकता, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट ज़रा दे मुझे समझा। तो मैं डॉक्यूमेंट लिए दोबारा उनके रेफरेंस लिए कि किस जगह जाना है, कौन सा कॉलेज का नाम है, क्या उसकी चिट्ठी का रेफरेंस है, डेट है, वो सारे नोट करके। तो मेरा हेड ऑफिस दिल्ली था, सवेरे 4-5 बजे मैं अपने हेड ऑफिस आ गया। उनको तो वहीं जब छोड़ा ना ओबराय कॉन्टिनेंटल में, तो वहाँ आके अपने चपरासी को जगाया, उसको कहा ज़रा टेलीफोन सीधा कर। उन दिनों इतनी टेलीफोन की फैसिलिटी नहीं थी, लाइटनिंग कॉल की एक फ्रेंड को अपने को शिकागो, और वो भी उस वक्त सोया हुआ, तो उसने जाके वो लाइटनिंग कॉल ली। तो मैंने उसको कहा और बातें बाद में करेंगे, पहले तू लिख ली ये बातें। उसने लिखनी शुरू की तो कुछ बात लिख ली और थोड़ी सी बात रह गई और टेलीफोन का टाइम ख़त्म हो गया लाइट में और उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया।